हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये मेरा चौथा ब्लॉग है, और चौथा ब्लॉग है मतलब 1.5 महीने बाद ये मेरा चौथा ब्लॉग है। और इससे पहले मैं इस चैनल पर शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप उसे देखते भी हैं जो मुझे बहुत खुशी होती है, पर सब्सक्राइब बहुत कम है। 107 वीडियो पर 130 सब्सक्राइबर है, तो देख के मुझे बहुत दुख होता है। खैर वो तो बात की बात है, धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना ब्लॉग। और आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, तो मैं गई थी मार्केट, तो वहाँ से लाई हूँ कुछ सामान पूजा करने के लिए। और मैं शॉर्ट वीडियो ही बनाऊँगी, लॉन्ग में भी शॉर्ट बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहिए। तब चलते हैं छत पर और इसका सेट करते हैं। और आज मेरा उपवास है और मैं 9 नवरात्रि में करने वाली हूँ। फ्रेंड मैं वो क्या होता है जो धतूरा होता है जो भगवान शंकर को चढ़ाते हैं, वो मैं भूल चुकी हूँ, तो जा रही हूँ फूल और धतूरा लाने। तो दोस्तों यहाँ पे मिलेगी हमारा धतूरा का फूल, धतूरा पता नहीं क्या बोलते हैं, धतूरा ही हम बोलते हैं। और ये हमारा फूल और हम जा रहे हैं इधर। इधर कॉलोनी नहीं कटा है, मतलब पूरा का पूरा खाली ही है और बहुत बड़ा प्लॉट खाली है। आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और उधर साइड में आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे रहते हैं वो कूड़े वाले रहते हैं, मतलब कूड़े वाले रहते हैं जो भंगार के सामान नहीं ले जाते हैं, वही रहते हैं। और ये हमारा यही ले जाना था। और इधर जो साइड है ना, इधर बहुत सारे लगे रहते हैं, तो जब भी पूजा करना होता है तो आराम से यहीं से तोड़ ले जाते हैं। ठीक है, बढ़िया है। और ये है हमारा फूल जो हमारे पड़ोसी का है, जो देखेगी तो पिटाई भी करेगी क्योंकि यहाँ फूल कोई नहीं तोड़ता है, मैं ही तोड़ती हूँ कभी कभी। तो ज़्यादा फूल नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत फूल ले लेंगे। कल से टाइम पर हो जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट डे था। और मेरा मन भी नहीं था नवरात्रि करने का, लेकिन रात मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, पर वो अलग करते हैं जो ठंडी में पड़ता है, वो अलग करते हैं। तो ये मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं इसका करूँगी पूजा। मिल चुका, अब चलते हैं छत पे और छत का काम भी देखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास टेबल वगैरह नहीं है, टेबल है लेकिन मैंने उस टेबल पर कंप्यूटर रख दिया है। और हमें पता नहीं यहाँ कहाँ रहना होगा कहाँ नहीं, क्योंकि पति जी का जॉब तो कोई ठिकाने नहीं है, बंद होने वाला है। इसीलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं खरीदती हूँ, बस वही सामान खरीदती हूँ जिसकी ज़रूरत है। और दोस्तों यहाँ पर मैं करने वाली हूँ पूजा। और देखो मैंने ईटा भी रख दिया है और ये टाइल्स भी रख दिया है। और ये है माता जी का फोटो, अब मैं इनको नीचे लेकर आती हूँ। तो दोस्तों मैंने पूजा का जो जितने तैयारियां हैं मैंने अपने हिसाब से लगभग मैंने पूरा कर लिया है, और मैं आपको दिखाती हूँ कितना कम्प्लीट हुआ है। देखिए अब ये मेरा काम हो रहा है, आज भर वो है मतलब सेटअप करने में दिक्कत है, लेकिन कल ठीक हो जाएगा, अपना सुबह के टाइम में मेंटेन हो जाएगा। तो चलिए अब यहीं ब्लॉग जो है थोड़ा सा विराम देते हैं और पूजा पाठ कर लेते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने के टाइम में ये मन भटकाना बढ़िया नहीं है। तो चलिए रखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पूजा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और आज का मैं व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मुझे पर दिन पोस्ट करना है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप बोर हो जाएं, तो इसीलिए छोटा ब्लॉग है। हाँ, लेकिन ये है कि मैं पर दिन अब ब्लॉग अपलोड करूँगी। और बात यह है कि पहली बार बोलने में थोड़ा वो संकोच हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे बोलते बोलते वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हिचक भी नहीं रहेगा। तो चलिए आज ये ब्लॉग यहीं पर जो है एंड करते हैं, और पर दिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाते रहें।